फ्रांस इस समय हिंसा की चपेट में है। फ्रांसीसी अल्जीरियाई मूल के एक 17 साल के युवक की पुलिस की गोली लगने से हुई मौत के बाद से ही पेरिस शहर के बाहरी इलाकों में हिंसा फूट पड़ी है और ये देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल चुकी है। हालांकि इस तरह के दंगे फ्रांस के लिए नए नहीं हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हालात पर काबू पाने के लिए संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। इन हालात में उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी और धुर दक्षिणपंथी मरीन ले पेन को चुनावों में फायदा हो सकता है। यूरोप पर नजर डालें तो वो चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो या पश्चिम, अलग अलग किस्म की धुर दक्षिणपंथी पार्टियां जो नव फासीवाद पृष्ठभूमि के साथ अतीत जीवी लोकप्रियतावादी धुर रूढ़िवादी राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, उनका हाल के सालों में अच्छा खासा उभार हुआ है। 20वीं सदी में नाजियों और फासीवादी इटली के खिलाफ यूरोप के विनाशकारी युद्ध के जमाने से ही ये धारणा रही है कि धुर दक्षिणपंथ को कभी वोट नहीं देना चाहिए और मुख्य धारा की पार्टियां भी धुर दक्षिणपंथी पार्टियों से गठबंधन करने से इनकार करती थी। लेकिन अब इस पीढ़ी की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या लाखों लाख यूरोपीय वोटर वाकई धुर दक्षिणपंथ की ओर जा रहे हैं या ये सिर्फ विरोध में पड़ने वाले वोट हैं? एक सवाल ये भी है कि जब हम पार्टियों को धुर दक्षिणपंथी कहते हैं तो इससे हमारा मतलब क्या है। यूरोपियन काउंसिल में विदेशी मामलों के डायरेक्टर मार्क लियोनार्ड कहते हैं कि हम एक बड़े विरोधाभासी समय में हैं। एक तरफ तो मुख्य धारा के कई राजनेताओं ने हाल के सालों में दक्षिणपंथ के कई नारे या मुद्दे हथिया लिए हैं ताकि दक्षिणपंथी समर्थकों को उनसे दूर किया जा सके, लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने धुर दक्षिणपंथ को और मुख्यधारा में आने में मदद की है। जबकि दूसरी तरफ यूरोप में धुर दक्षिणपंथी पार्टियों की एक अच्छी खासी संख्या उदारवादी वोटरों को लुभाने के लिए जानबूझकर मध्यमार्गी राजनीति की ओर जा रही है। रूस के प्रति रवैये को ही ले लें, इटली में द लीग, फ्रांस में मरीन ले पेन और ऑस्ट्रेलिया की फ्रीडम पार्टी फार जैसी कई धुर दक्षिणपंथी पार्टियों का रूस के साथ पारंपरिक रूप से करीबी रिश्ता रहा है। मार्क लियोनार्ड यूरोपीय संघ के साथ धुर दक्षिणपंथ के रिश्ते को उनके मध्यमार्गी होने का ही उदाहरण बताते हैं। ओपिनियन पोल्स दिखाते हैं कि यूरोपीय लोगों के बीच यूरोपीय संघ की लोकप्रियता सबसे अधिक है। अभी तक दक्षिणपंथी पार्टियां ईयू को छोड़ने के बजाय इसमें सुधार को लेकर बोल रही हैं और अगले साल यूरोपीय संसद के चुनाव में उनके अच्छे प्रदर्शन का अनुमान लगाया जा रहा है। पेरिस में इंस्टीट्यूट मॉन्टेग्नेज यूरोप प्रोग्राम की डायरेक्टर जॉर्जिना राइट मानती हैं कि धुर दक्षिणपंथ का यूरोप में पुनर्जागरण का मुख्य कारण मुख्यधारा की राजनीति से लोगों की नाराजगी है। इस समय जर्मनी में 5 में से 1 वोटर का कहना है कि वो गठबंधन सरकार से नाखुश है। जॉर्जिना राइट का कहना है कि यूरोप में अधिकांश वोटर दक्षिणपंथी पार्टियों की ओर बेबाकी से आकर्षित होते हैं और पारंपरिक राजनेताओं से इसलिए निराश हैं कि उनके पास इन 3 सवालों के जवाब नहीं है। अब वो 3 सवाल क्या हैं? पहचान से जुड़े मुद्दे यानी खुली सीमा का डर और राष्ट्रीय पहचान और पारंपरिक मूल्यों में गिरावट, आर्थिक वैश्वीकरण का विरोध और बेहतर भविष्य की गारंटी न होने का सवाल, और तीसरा सवाल सामाजिक न्याय, एक ऐसा एहसास कि राष्ट्रीय सरकारों का नागरिकों की जिंदगी बेहतर करने वाले नियमों पर कोई नियंत्रण नहीं बचा है। देखा जा सकता है कि यूरोप में ग्रीन एनर्जी को लेकर होने वाली बहसों में ये मुद्दे आते रहते हैं। इस साल नीदरलैंड्स में प्रांतीय चुनावों के बाद उच्च सदन में सबसे अधिक सीटें दक्षिण पंथी लोकप्रियतावादी पार्टी फार्मर सिटीजन मूवमेंट ने हासिल की थी, तब ये खबर सुर्खियां बनी थी। फ्रांस में जब इमैनुअल मैक्रों ने कारें कम करने के लिए पेट्रोल के दाम बढ़ाने की कोशिश की तो उन्हें येलो वेस्ट प्रदर्शन का सामना करना पड़ा जिसमें कई दक्षिणपंथी समूह शामिल थे। वहीं जर्मनी में अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों की चिंता और नाराजगी ने सरकार में बैठी ग्रीन पार्टी को पर्यावरण सुधार के अपने वादे को पूरा करने से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।